कि बहुत बड़े वकील थे, कोई आदमी जितने पैसे कहता तो वो मुकदमे को देखते थे, अगर मुकदमा सही नहीं है तो कहते थे नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, ये गलत मुकदमा है। मुकदमा सही है तो अगर पैसे उसके कुछ ज़्यादा भी देता तो कहते नहीं ये छोटा सा मुकदमा है, इसके इतने पैसे बनते हैं, और जितना कमाया है वो सारा दे कर चले गए हैं। उनकी जब शादी हुई तो उनका निकाह पढ़ने वाले भी अबा कबा वाले दो मौली साहबान थे जो लखनऊ से मुंबई आए थे, जिन्होंने शादी उसकी निकाह वगैरह पढ़ा था, तो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और बाकी लोगों ने भी पाकिस्तान बनाने में काफ़ी किया। देवबंद बुनियादी तौर पर तो मुखालिफ रहा, लेकिन शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी थे, उन्होंने बड़ी मदद की है, बाकी उलमा ने भी। बहरहाल हमारे सिर्फ एक थे मज़हर अली अजहर, जो खाकसार तारीख में थे, उन्होंने मुखालफत की, वगरना शिया उलमा में से वो आलिम नहीं थे, लीडर थे, शिया उलमा में से किसी ने भी पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के क्याम में आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो गोया के हिस्सा लिया है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना सफदर हुसैन साहब किबला फरमाया करते थे, मुसलमानों की ये सरिश्त है कि जो इनका मोहसिन होता है सबसे पहले उसी को ये कंडम करते हैं। चुनांचे नतीजा ये निकला कि जब इनको लाया गया है बलोचिस्तान ज़ियारत से तो इनकी एम्बुलेंस ही ख़राब हो गई, घंटा घंटा वहाँ रुके रहे, बिल्कुल जंगल था उस वक़्त, कराची छोटा सा शहर होता था, दो चार इलाके थे वगैरह कुछ भी नहीं था, और फिर बाद में एम्बुलेंस आई और उनको लेकर गई। बहरहाल उनकी वफात भी हो गई, जो कुछ भी हुआ मौलाना सफदर हुसैन साहब किबला फरमाया करते थे, बहुत अच्छा हुआ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वक्त पर फौत हो गए, उनकी इज्जत है, आज नाम लिया जाता है, अल्लामा इकबाल का नाम लिया जाता है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत थे, वहदत इस्लामी के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इनका नाम लिया जाता है, वगरना उनका हाल वही होता जो फातिमा जिन्ना का हाल अय्यूब खान के ज़माने में हुआ, किस तरह उनकी किरदार कुशी की गई, किस तरह बातें की गई। तो बहरहाल मुसलमान तो यही करते हैं, रसूलुल्लाह के बाद क्या हुआ, लाइन भी तब्दील हो गई और रसूलुल्लाह की बेटी के घर को जलाने के लिए भी आ गए। तो मुसलमान तो हमेशा यही काम करते हैं, पाकिस्तान में भी यही किया, उसका नतीजा क्या निकला कि सिर्फ 24 साल के अरसा में मशरकी पाकिस्तान इस हिस्सा से बड़ा था जिसकी आबादी ज़्यादा थी, वो इनसे जुदा हो गया। तो ये हमारे अपने करतूत थे जिनकी वजह से ये हुआ है। तो आज पाकिस्तान बहरान में मुबतला है, आज पाकिस्तान सियासी लिहाज से भी बहरान में है, अदालती लिहाज से भी बहरान में है, पार्लिमानी लिहाज से भी बहरान में है, हुकूमत के लिहाज से भी बहरान में है, और एक तिहाई लोग खत्ते गुरबत से नीचे हैं, यानी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और 90% लोग ऐसे हैं जिस वक्त तंग हैं, परेशान हैं, सिर्फ 10% हैं जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है। ये सब कुछ क्यों हुआ, सब कुछ इसलिए हुआ कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान जब बन रहा था तो नारा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान भूल गए ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भूल गए ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको याद ही नहीं रहा, अपने मकासद सामने आ गए, अपने अहदाफ सामने आ गए, जो काम किया है अपने अहदाफ के लिए किया है, जो काम किया है सियासत के लिए किया है, अगर किसी का माल गसब किया है तो सियासत के उनवान से, किसी का माल उनकी मिल्कियत था वहाँ से कौमी मिल्कियत में ले लिया है तो सियासत के उनवान से। तो मुसलमानों की सियासत गंदी सियासत हो गई, नतीजा ये है कि अल्लाह को छोड़ बैठे। आजकल आप देखें कि पूरा जोर किस पर लग रहा है कि 1.5 साल हो गया है, पहली हुकूमत के ज़माने में वायदा हो रहा था IMF के साथ कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है मुआहदा नहीं हुआ, जो पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था आज तक नहीं हुआ। हमारी सुई एक ही जगह अटकी हुई है कि या अल्लाह नहीं कहते, अय्यम वाहले मेहरबानी फरमाएँ, जहमत फरमाएँ, हमारी मुश्किल कुशाई करें, हमारी मुश्किल हल करें। तुम्हारे बड़े बड़े इमाम मुश्किल कुशाई के लिए मौलाए कायनात के पास जाते थे, तो आप अल्लाह को क्यों नहीं याद करते, अल्लाह के साथ क्यों नहीं रब्ता आपका, क्या पाकिस्तान की बका के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, IMF हमें कर्ज दे तो बच सकता है या नहीं।